खबर कांकेर से, जहां कांकेर में नक्सलियों ने जिस युवक की हत्या की थी, पुलिस मित्र नहीं नक्सली गतिविधि में था शामिल। पुलिस का कहना है नक्सलियों ने पुलिस मित्र बताकर उसकी हत्या की थी। पुलिस की माने तो 2018 में बांदे थाने में मृतक रंजीत टिम्मा के नाम पर अपराध कायम है। वही मृतक के जेब में पर्चा छोड़कर नक्सलियों ने उसे पुलिस मित्र बताया था। शनिवार रात को युवक को घर से उठाकर नक्सलियों ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा मतलब सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, इस पूरे मामले में नया मोड़ आया, क्योंकि पुलिस ने अपना जो तर्क दिया है कार्रवाई में वो काफी चौंकाने वाला रहा। पुलिस से आपने बातचीत की होगी, क्या खुलासे किए हैं? जी बिल्कुल, इस मामले पर मैंने रीजनल एसपी राजन जयंत से बात की तो उनका साफ यह कहना है कि यह रंजीत सिम्बा लगभग 2018 में एक हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ है। वहीं उनके परिजनों से भी पुलिस ने बात की थी, तो उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ नक्सल संगठन में काम कर रहा है। इसके बाद यह पुलिस का बयान आया है कि यह पूर्व से ही नक्सली था और नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है और इसी के चलते नक्सलियों ने इनकी हत्या की है, लेकिन यहाँ पुलिस का मुखबिर बताया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। बीजेपी ने